हेलो, आज मैं आपको एनएलपी का मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कम्युनिकेशन मॉडल बताने वाला हूं। इसके पहले का जो वीडियो है इसमें मैंने कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाहर जो इवेंट होता रहता है, तो बाहर इवेंट कोई भी घटना होती है, कोई भी व्यक्ति है, कोई अपने से बात कर रहा है, तो हम उसको 5 सेंसेस से अंदर लेते हैं। वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसको 5 सेंसेस से हम अंदर लेते हैं। तो वातावरण में जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम इवेंट नंबर 1, E1, और वो हमारे दिमाग में अंदर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो वो इवेंट का रिप्रेजेंटेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो जैसा वो बाहर घटित हो रहा है वैसे के वैसा अंदर उसका इंप्रेशन नहीं आता, उसका रिप्रेजेंटेशन अंदर जैसे का वैसा नहीं आता है, उसको तोड़ मरोड़ के अंदर आता है, या उसमें से कोई निकाल के डिलीट करके अंदर आता है, या उसको जनरलाइज करके अंदर आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैं इधर से जा रहा हूं उधर से, और कोई मेरे पहचान का आ रहा है और मैंने उसको नमस्ते नहीं किया, तो घटना क्या हुई कि मैंने उसको नमस्ते नहीं किया, उसने उसको डिस्टॉर्ट किया कि मेरे को ये इंसान भाव नहीं दे रहा, या मेरी कीमत नहीं कर रहा, या मुझे कोई मान नहीं रहा। मतलब मैंने सिर्फ नमस्ते नहीं किया, उसने उसका अंदर उसके दिमाग में क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ कि भाई ये मेरे से वहां से बाजू में से निकल गए और उन्होंने मुझे कीमत नहीं दी या भाव नहीं दिया। इसको बोलते डिस्टॉर्शन। मतलब हुआ एक अंदर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हुआ कुछ डिलीट हो जाता है। डिलीट मतलब जो हो रहा है वो पूरे के पूरा अंदर नहीं जाएगा, उसमें से कुछ भाग अंदर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। समझो आप जहां भी आप बैठे हो, वहां अभी काफी समय से आप बैठे हो, जहां भी आप हो अभी, उसमें से आपको पूछा अभी आंखें बंद करके कि आपने क्या क्या देखा, तो आप सब चीजें नहीं बता सकोगे क्योंकि कुछ अंदर गया कुछ नहीं गया, तो वो आपने क्या किया, फिल्टर ने उसको डिलीट किया। एक जनरलाइजेशन होता है तीसरा। जनरलाइजेशन इसका मतलब कि एक बात हो गई तो उसको जनरलाइज हमने कर दिया, मतलब सामान्य रूप से सबको अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया। इसका मतलब यह है कि समझो दिल्ली के एक आधे व्यक्ति ने मुझे फंसाया। अब दिल्ली के एक व्यक्ति ने मुझे फंसाया, अब मैंने जनरलाइज कर दिया उसको कि सब दिल्ली वाले चोर होते हैं या फंसाने वाले होते हैं। हालांकि वैसा नहीं है, एक व्यक्ति ने कोई तो भी फंसाया मर दिल्ली के, तो उसको बोलते जनरलाइजेशन। तो होता क्या है कि बाहर जो घटना है जो भी हो रही है उसका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन अंदर सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में दिमाग में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एनएलपी ऐसा बोलती है कि भाई कॉन्शियस माइंड जो है वो 1/10 है, 1 दशमलव है, और अनकॉन्शियस माइंड है 9 दशमलव है, 90% है या 9/10 है। तो सब ये रिप्रेजेंटेशन जो है बाहर का आउटर रिप्रेजेंटेशन, ये अपना अपना पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अंदर होता है। जैसा आपने आपको मैंने बोला कि दिमाग में लाओ मुंबई या बॉम्बे, तो आपको दिमाग में बॉम्बे का एक चित्र आ जाएगा। मतलब बॉम्बे एक्चुअली है और उसका चित्र आपके दिमाग में दूसरा है। वैसे कुछ कुछ मेमोरी बैग में पड़ा रहता है। जैसा मैंने बोला कि आपको, आप शादी के बारे में सोचो आपके खुद के, तो आपको फटाक से कुछ कुछ बातें शादी की याद आ जाएगी। इसका मतलब अंदर कुछ तो भी रिप्रेजेंटेशन जो भी बाहर हुआ है इसका अंदर है, और उसको बोलते हैं PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और वो बाहर के रूप से मैच नहीं करता है, बाहर जो है उससे मैच नहीं करता। और पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी मेमोरी बैग बनती है, याददाश्त की एक बैग अंदर, उसमें सब कुछ है, अभी तक जो हुआ पास्ट का वो सब कुछ अंदर है, पूरा पास्ट उसमें अंदर बैठा हुआ है। कुछ याद आता है, कुछ याद आता नहीं है, कुछ हमको ऐसा सोच सोच के याद करना पड़ता है, या कुछ फटाक से याद आता है। तो जो भी अभी मेरे पास में पास्ट मेमोरी बैग है,
अभी जो इसके बाद में मैं अभी लोगों से संपर्क करने वाला हूँ, वातावरण में जाने वाला हूँ, घटना घटित हो रही है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अंदर जो होगा वो वैसा का वैसा ना होते हुए, अभी मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है, पास्ट में मैंने जो जो डिसीजन लिए हुए, पास्ट में मेरे जो अनुभव है, पास्ट में जो जो बिलीव्स है, मेरा विश्वास है कुछ, तो वो अनुभव, डिसीजंस, बिलीव्स, फिर फिजियोलॉजिकल स्टेट, समझो मैं कुछ भी, अभी मेरा पेट बहुत ही गड़बड़ कर रहा है और बहुत एसिडिटी हो रही है, तो अभी कुछ भी जो बाहर हो रहा है, क्या मैं पूरे का पूरा अंदर मतलब सुन सकूंगा, ले सकूंगा उसको? नहीं, क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, या मुझे बहुत नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पेट गड़बड़ कर रहा है, या बदन दर्द कर रहा है, या बुखार आया, बुखार आया हुआ है, क्या मैं सब सुन सकूंगा, देख सकूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, तो ऐसा मतलब सब तरह जो है वो पीछे का पूरा कलर करता है जो भी बाहर से आ रहा है अंदर उसको, और फिर वहां से हमारी इमेजेस अंदर बनती है, और वो इमेज फिर आगे आने वाले जो है उसको कलर करते रहती है। अभी एनएलपी में जो है कि ये जो पीआईआर जो है, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बदल सकेंगे तो मैजिक संभव है, मिराकल संभव है, जादू संभव है। और वो कैसा? क्योंकि पीआईआर जो है, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पास का बैगेज, उससे बनती है एक स्टेट, उससे बनती है एक फिजियोलॉजिकल स्टेट। तो पीआईआर और फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब बदन की जो स्टेट है, बदन की जो अवस्था है, वो तो उससे बनती है फिजियोलॉजिकल स्टेट, वो जो रिप्रेजेंटेशन है अंदर, जो भी इमेजेस है अंदर, उससे। तो पीआईआर प्लस फिजियोलॉजिकल स्टेट, वहां से बनती है एक स्टेट, मेंटल स्टेट, उसमें मूड्स, फीलिंग्स, थॉट्स सब आते हैं, मेमोरीज सब आएंगे। और जो मेंटल स्टेट है, वहां से मेरा बनेगा बिहेवियर, मतलब मेरी वर्तणूक, मेरी चाल चलन वहां से बनेगी, मेरी एक्शंस वहां से आएंगी, और एक्शंस विल गिव मी रिजल्ट्स, आउटकम, या जय, यश वो देगा। इसलिए हमको एनएलपी ये सिखाता है कि भाई आपका जो पीआईआर है, अंदर की जो सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में जो भी भरा हुआ है पास्ट, उसको कैसा इन्फ्लुएंस करना अलग अलग टेक्निक से, और उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम अलग रिजल्ट्स कर पाएंगे। तो ये एनएलपी में कम्युनिकेशन मॉडल करके कहा जाता है। मेरे काफी सारे वीडियो एनएलपी के हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, आप वो सुन सकते हैं और शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच।